Hello students, so we are going to study next topic today which is adjoint and inverse of a matrix. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix होता क्या है देखा जाए. तो मान लो कि एक square matrix है A, ठीक है, कि A is a square matrix, ठीक है, किसी भी order का. तो मान लो कि a इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर है n, ठीक है, और सी आई जे इज द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे. अब ऐसा करो कि जितना भी को फैक्टर्स है सबका एक मैट्रिक्स बना लो, जितना भी को फैक्टर्स है उसका एक मैट्रिक्स बना दो और उसका ट्रांसपोज ले लो, तो इससे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो तुम बोल सकते हो कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ इट्स को फैक्टर्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ given matrix. Once again, if A is a square matrix, then the transpose of a matrix of its cofactors is known as adjoint of given matrix. ठीक है? Adjoint A के elements को तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, adjoint A ij equal to cji. सी जे आई क्यों लिखे हैं? क्योंकि सी आई जे का ट्रांसपोज है, तो सी आई जे का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, सी जे आई होगा, ठीक है. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुआ. अब एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए. मान लो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 और इसका एलिमेंट्स कुछ इस तरह से है 2, 1, -2, 3, ठीक है, और बोल दिया कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसका नाम होगा C11, और C11 को हम लोग लिख सकते हैं मास 1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11. तो मास 1 का पावर 1 प्लस 1 तो 1 मिलेगा. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 3, तो C11 इज 3, ठीक है. अब इसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकाला जाए तो उसका को फैक्टर होगा C12, इसका फॉर्म होगा मास 1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12. मास 1 का पावर 1 प्लस 2 निगेटिव आएगा, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देने के बाद में जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट तो बचेगा -2, तो -(-2) विच इज +2, ठीक है. फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा C21. C21 को तुम लिख सकते हो -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21. -1 का पावर 2 प्लस 1 इज -1 और M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट तो बचेगा 1, तो C21 हुआ -1. इसके बाद इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर तो C22 इज -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22. तो -1 का पावर 2 प्लस 2 इज +1, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट तो बचेगा 2, ठीक है. तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकल गया. अब हम लोग को क्या करना है, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो जो मिलेगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है. तो इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा मतलब C11 C12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो C21 C22. C11 इज 3,
C12 is 2, C21 is minus 1, C22 is 2, ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मिला 3 minus 1 2 2, ठीक है. तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसका एडजॉइंट कुछ इस तरह से मिला. अब एक चीज ध्यान दो, अगर यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स पे फोकस करो, डायगोनल एलिमेंट्स पे फोकस करो, तो डायगोनल एलिमेंट्स में यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, और एडजॉइंट A में डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान दो तो 3 2 है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गया, ठीक है. डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड. इसके बाद अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट पे फोकस करो तो 1 की जगह पे -1 आया है और -2 की जगह पे 2 आया है, ठीक है. मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में साइन चेंज हो गया है, ठीक है. साइन ऑफ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज चेंज्ड. मतलब जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा. लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए जिसका ऑर्डर 2 हो तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है. एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे. चलो एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं. मान लो कि बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और इसका एलिमेंट्स है 1 2 0 -3, ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी तुम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दो. तो यहाँ -2 और 0 का नेगेटिव 0 ही होगा, ठीक है. तो इसे -3 -2 0 1 इज एडजॉइंट बी, ठीक है. अब अगर इसके बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए जिसका ऑर्डर 3 रहे तो उसका एडजॉइंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो. एडजॉइंट के लिए क्या करना है, तो सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है और कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो उससे उसका एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, बाद में जब इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है. अभी फॉर द टाइम बीइंग यही जान के रखो कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है. सिंपल, कोई तोप चीज नहीं है, ठीक है. चलो इसके बाद एडजॉइंट का एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है. चलो प्रूव करते हैं. जो बच्चे सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ना चाहते हो वो लोग इसके प्रूफ को स्किप कर सकते हो. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो कॉम्पिटिशन लेवल पढ़ना चाहते हो उन्हें प्रूफ समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो चलो इसको प्रूव करते हैं. मान लो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाई एन, ठीक है. तो इसका एलिमेंट्स होगा a11 a12 a21 a22 a21 an1 an2 ann, ठीक है. और अगर इसका एडजॉइंट बताना है तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर्स,
तो फर्स्ट रो में C11, C12, C13, डॉट 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 C1n होना चाहिए, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर ली ट्रांसपोज के बाद में। तो फर्स्ट कॉलम में मिलेगा C11, C12, डॉट 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 C1n, हम डायरेक्ट ट्रांसपोज लेने के बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड कॉलम में होगा C21, C22, डॉट 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 C2n, और nth कॉलम में होगा CN1, CN2, डॉट 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 CNn, ठीक है। अब तुम्हें मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने आता है, तो अगर A इंटू एडजॉइंट A चाहिए, तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इधर साइड में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, तो हमें मिलेगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस डॉट 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 प्लस A1n C1n, ठीक है। और ये है क्या, तो ये ऐसा है कि मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए हैं, तो उससे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, अगर डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड किया जाए तो तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा A11 C21, मैं अलग से लिख रहा हूँ, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस डॉट 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 A1n C21, ठीक है। यहाँ तो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और ये एक्चुअल में क्या है, सेकेंड रो का कोफैक्टर्स, तो उसे जीरो मिलता है, इट विल गिव यू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आएगा, फिर डॉट और डॉट, यहाँ पे क्या होगा, तो इस साइड में फर्स्ट रो, इस साइड में nth कॉलम, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे सेकेंड रो का एलिमेंट्स इस साइड में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, और उसका फॉर्म होगा A21 C11, A22 C12, A2n C1n। तो देख सकते हो कि अल्टीमेटली है क्या, इधर साइड में सेकेंड रो का एलिमेंट्स है और इस साइड में फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स है, तो सेकेंड रो का एलिमेंट और फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इधर सेकेंड रो, इधर सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये एक्चुअल में सेकेंड कॉलम है क्या, तो सेकेंड रो का कोफैक्टर्स है, तो सेकेंड रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट A, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा डिटरमिनेंट A, उसी तरह से यहाँ पे जीरो आएगा, डॉट 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 यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, डॉट 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 यहाँ पे डिटरमिनेंट A आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारा डिटरमिनेंट A है, तो ओवरऑल मैट्रिक्स से तुम डिटरमिनेंट A कॉमन निकाल सकते हो। तो डिटरमिनेंट A अगर कॉमन निकाल लिए तो बचा 1 0 0 0 1 0, जीरो जीरो वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स वन है, तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली मिला डिटरमिनेंट A इंटू आई, मतलब A इंटू एडजॉइंट A डिटरमिनेंट A इंटू आई,
Similarly, adjoint A into A is also determinant A into I. वो तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant A into I, ठीक है? प्रॉपर्टी वन का यूज कर करके हम लोग इनवर्स डिफाइन करेंगे. तो प्रॉपर्टी वन का यूज करके कि हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है? तो सबसे पहले मान लो कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. Such that determinant A is not equal to 0, ठीक है? तो मान लो कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? तुम्हें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. तो मान लो कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी वन का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि A इंटू एडजोइंट A इक्वल टू एडजोइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I, ठीक है? डिटर्मिनेंट A बोल सकते हो एक नंबर है, और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 नहीं है, तो हम थ्रू आउट डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर थ्रू आउट डिटर्मिनेंट A से डिवाइड किया जाए तो हमें मिलेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजोइंट A इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजोइंट A इंटू A इक्वल टू I, ठीक है? ये हम तभी ले सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं हो, ठीक है? अदरवाइज इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है? अब देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि x इंटू एक्स का पावर माइनस वन क्या मिलेगा, तो तुम बोल सकते हो इसका पावर 0 विच इज 1, ठीक है? सिमिलरली अगर तुमसे ये पूछा जाए एक्स का पावर माइनस वन इंटू एक्स क्या मिलेगा, तो इसका पावर 0 विच इज 1, ठीक है? और मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स का 1 का रोल करता है आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दो, ए इंटू एक मैट्रिक्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजोइंट A इज अल्टीमेटली ए मैट्रिक्स. तो A इंटू एक मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स इंटू A इक्वल टू मैट्रिक्स का 1. तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर A को x मान लें और इसको x का पावर माइनस 1 मान लें, तो इधर 1 की जगह पे i है, मतलब कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजोइंट A कैन बी रिटेन एज A का पावर माइनस 1, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है? तो यहां से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A डिफाइन करने जा रहे हैं, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज A इनवर्स A का पावर माइनस 1, मतलब A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजोइंट A, ठीक है? तो दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. ऑब्वियसली इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर नहीं होगा. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, A रेज टू पावर ऑफ माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन A. यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का पावर माइनस 1 को हम लोग 1 बाई A नहीं बोल सकते हैं. 1 बाई एक मैट्रिक्स मीनिंगलेस होगा, ठीक है? एक्चुअल में A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? मतलब वो 1 बाई A नहीं है, वो बस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो I होगा, ठीक है? तो A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजोइंट A. तो यहां से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I, ठीक है?
a into a inverse equal to a inverse into a equal to i. इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट a जीरो नहीं होना चाहिए. दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज प्रॉपर्टी 3 कि द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए बस एक ही कंडीशन काफी है कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए. इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन और प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ रहे हैं. पहले हम लोग एक दो प्रॉब्लम करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट एग्जांपल है कि मान लो कि मैट्रिक्स ए इज 1, 0, -1, 2. ठीक है, और तुमसे बोला है कि फाइंड ए इनवर्स. तो ए इनवर्स निकालने के पहले तुम्हें डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना होगा. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? तो 2 - 0, तो 2, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0. मतलब ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 upon डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजोइंट ए. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए है 2 और एडजोइंट ए तुम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है. तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो तो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा 2 और 1, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर लो. ठीक है, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा 1, 0, 1/2, 1/2. तो इसलिए ए इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ ऑर्डर 3 का. मान लो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है. मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिया हुआ 1, 0, -1, 2, 1, 3, 1, 0, -1. ठीक है, और बोला कि कैलकुलेट ए इनवर्स. ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला जाए. तो डिटर्मिनेंट ए में देख सकते हो कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है. तो डिटर्मिनेंट ए क्या मिल गया? 0. अगर डिटर्मिनेंट ए 0 मिल गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. ए इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए ए मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसलिए ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं. अब तुमसे पूछा गया कि कैलकुलेट ए इनवर्स. तो पहले डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करो. तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लिए तो जब 1 लिए तो -2, -6, -8. 0 में तो 0 ही होगा. फिर जब -1 लिए तो 4, -1, तो 3 into -1, -3, तो -11, विच इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो व्हाट इज ए इनवर्स? तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 upon डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. तो उसके लिए पहले एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए के लिए तुम्हें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स के लिए साइन होगा प्लस माइनस प्लस.
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C11 के लिए हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, तो जो मिला उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू माइनस टू माइनस टू, माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट, और पहले से प्लस साइन तो माइनस एट, तो C11 हुआ माइनस एट। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर होगा C12 के लिए माइनस साइन लेना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिए, तो 2 इंटू माइनस टू माइनस फोर, और माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस सेवन, ठीक है। तो इसके बाद इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए, तो 2 2 4 माइनस 1 3, और पहले से प्लस साइन तो 3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C21 के लिए माइनस साइन लेना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो प्लस 2 और पहले से माइनस है तो माइनस 2, तो C21 इज माइनस 2। इसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ें, तो माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और पहले से प्लस साइन तो माइनस 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C23, तो C23 के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए, पहले से साइन माइनस लेना है, इधर 2 माइनस 0, तो 2 और पहले से माइनस तो माइनस 2, ठीक है। अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, तो 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, और पहले से प्लस। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, C32 में थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिए, तो 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 3 प्लस 2 5, और पहले से माइनस तो माइनस 5। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़े, तो 1 माइनस 0 1, ठीक है, पहले साइन प्लस तो 1, तो सारा को फैक्टर्स मिल गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो वाला को फैक्टर फर्स्ट कॉलम में अपीयर हो जाएगा, मतलब C11 C12 C13। सेकेंड रो वाला को फैक्टर सेकेंड कॉलम में अपीयर होगा, तो C21 C22 C23। और थर्ड रो वाला को फैक्टर थर्ड कॉलम में अपीयर होगा, तो C31 C32 C33, ठीक है। तो C11 माइनस 8 है, C12 7, C133, C21 माइनस 2, C22 माइनस 1, C23 माइनस 2, C311, C32 माइनस 5, C33 1, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आ गया। अब अगर एडजॉइंट ए आ गया और डिटरमिनेंट ए भी आ गया, तो वी कैन कैलकुलेट ए इनवर्स। ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए मीन्स 1 अपॉन माइनस 11, और एडजॉइंट ए है माइनस 8 माइनस 2 1, 7 माइनस 1 माइनस 5 3 माइनस 2 1। माइनस 1 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा 8 अपॉन 11, 2 अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 7 अपॉन 11 1 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 11 2 अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन 11, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए एक कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0।
मतलब मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिमिलर एंड दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए इनवर्स टू एग्जिस्ट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2-3, 3, 4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0 का मैट्रिक्स इक्वेशन होगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल टू 0। ठीक है, और ये तुम प्रूव कर सकते हो। जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे वहाँ पे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तुम प्रूव कर लोगे। ठीक है, अब बोला है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब कि इसका यूज करके ए इनवर्स बताना है। ठीक है, तब इसके लिए हम इनवर्स का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से था कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस गिवन इक्वेशन को थ्रू आउट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके कुछ होता है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि थ्रू आउट ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग से अच्छा प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई, और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म है ए इनवर्स ए स्क्वेयर। ए इनवर्स ए स्क्वेयर को तुम ऐसा लिख सकते हो ए इनवर्स ए इंटू ए, और इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो ए इनवर्स ए इंटू ए, क्योंकि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, और ए इनवर्स इंटू ए इज आई टू आई ए, तो इसे ए इनवर्स ए स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं आई ए। ठीक है, इसके बाद ए इनवर्स इंटू ए इज आई टू माइनस 6i प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई है, तो आई तो मैट्रिक्स का वन होता है, इसे ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं और साथ में ये भी यूज कर रहे हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इज आई। ठीक है, अब आगे आई इंटू ए मिलेगा माइनस 6i प्लस 17 ए इनवर्स इज 0 मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स चाहिए, तो इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, तो 17 ए इनवर्स इक्वल टू 6i माइनस ए। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा 1/17 इंटू 6i माइनस ए, तो 1/17 6i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1, और ए है 2-3, 3, 4। ठीक है, तो 1/17 इंटू 6, 1 जो 6 माइनस 2, 4, 6 × 0, 0 − −3 प्लस 3, 6 × 0 − −3 − −3, 6 × 1, 6 − −4, 2। ठीक है, 1/17 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/17, 3/17 माइनस 3/17, 2/17। ठीक है, तो दिस इज ए इनवर्स। ठीक है,